SGN News, खुले की बात आपके साथ। चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जोर शोर से जुट गई है। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। पुणे से महागठबंधन के कार्यकर्ता जनता से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने मरंगा की जनता को संबोधित किया। पुणे के मरंगा में युवा राजद प्रधान महासचिव ऋतुराज यादव आयोजित इस जनसभा में सैकड़ों लोग पहुंचे। बताते चले कि पुणे के पूर्व सांसद पप्पू सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथ चल रहे मेरे गठबंधन दल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं मरंगा पश्चिम में हूँ और भी प्रसन्नता है कि इतनी खूबसूरत जगह पर यह आयोजन हो रहा है। ऋतुराज जी ने पहले ही मुख्य बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया है कि 18 तारीख की चुनाव क्यों इतना आवश्यक है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि पूर्णिया जीतेगा या पूर्णिया फिर से हार जाएगा जैसे वो 2014 में हार गया। और मेरा मानना है कि आज अधिकांश लोग पूर्णिया में, चाहे वो रुपौली से हो या कस्बा के हो या बनवनखी के हो, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 211 पंचायतों का क्षेत्र है, बहुत बड़ा नगर भी हमारा, अधिकांश लोगों ने ये मन बनाया हुआ है कि इस बार पूर्णिया को जिताना है, पूर्णिया को विकास के मार्ग पर दोबारा लाना है, पूर्णिया को एक शांत जगह फिर से बनाना है। और इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि 18 तारीख को अपना मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे काम से 2004 और 10 के बीच के कार्य से संतुष्ट हैं तो अवश्य हाथ छाप कर बटन दबाइएगा, अपने आप को और पूर्णिया को विजयी बनाइए। नगर निगम बनाने की योजना में मरंगा के दो पंचायत, अब्दुल्ला नगर, हाजदा, ऐसे 5 पंचायत को एक तरह से उस समय अनावश्यक रूप से नगर पालिका में मिला दिया गया और उसके कारण नगर पालिका यहां नगर निगम बन गई। लोगों का तब भी मानना था